So good evening to all. So let's discuss about analytic function and the various terms associated with the analytic function. तो लास्ट क्लास से जितना हमें उड़ा एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करिया पाई जितना हमें डिस्कशन करी थी लेकिन उड़ा फंक्शन एनालिटिक कितने बड़े होगो ना जब इसे फंक्शन टा परफेक्टली डिफरेंशियबल और उसे कंटिन्यूअस नेचर हुए तो कुछ रायमन इन कंडीशन तो इंडिकेट कर जी कहर मेजरमेंट को ना गोटे फंक्शन एनालिटिक कि ना सेटा को आम कोची रायमन कंडीशन यूज करके बाहर करदी गोटे फंक्शन कोची रायमन कंडीशन सैटिस्फाई करुच्ची तो ताहले पिले से कौन हो जाऊँगी ना गोटे एनालिटिक फंक्शन हो जाऊँगी बट एक्सेप्ट कोची रायमन कंडीशन देयर इज ऑल्सो एनदर वे टू मेजर द व्हेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट एनालिटिक ना आम अदर बिहेवियर को देखिकी भी बाहर करें जदि से कहूँ ये टाइप्र जदि गोटे फंक्शन आम गोटे सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट रे एनालिटिक गोटे रीजन भितर एनालिटिसिटी ऑब्जर्व करने चाहूचे तमें जदि गोटे फंक्शन मन कर तुमको देली एफ ऑफ जेड जो एफ ऑफ जेड टा गोटे फंक्शन क्या भितर ना गोटे एनी रीजन भितर मन कर ये रीजन आर सो एफ ऑफ जेड टा ए रीजन भितर एनी फंक्शन को से इंडिकेट करुच्ची जो फंक्शन टाइ आर रीजन भितर एक्जिस्ट करुच्ची तमें तार रेंज होते ना तर आर रीजन टाला तर रेंज ओके ताले जदि आर रीजन भितर एक्जिस्ट करुच्ची ताहले आमे कहिबा से फंक्शन टा ए रीजन आर भितर एनालिटिक कि नाही केमती जानिबा मने कर से कहुच्ची मन कर जेकोनसी गोटे पॉइंट कनसीडर करिबा जेड जीरो ओके से रीजन भितर आम एनी गोटे पॉइंट कनसीडर कले जेड जीरो तो एफ ऑफ जेड टा से जेड जीरो पॉइंट रे एनालिटिक कि नाही आमे केमती जानिबा से कहे जदि एफ ऑफ जेड जेड जीरो पॉइंट रे परफेक्टली डिफरेंशियबल हम आउ कंटिन्यूस हम तेल आम कह जदि गोटे फंक्शन परफेक्टली डिफरेंशियबल तमें से कंटिन्यूस नेचर भी सैटिस्फाई कर एफ ऑफ जेड को आम चेक करवा व्हेदर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक और नॉट एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो से कहे एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो इफ इट्स डेरिवेटिव एक्जिस्ट नॉट ओनली एट जेड जीरो बट ऑल्सो इन द नेबरहुड ऑफ जेड जीरो जदि तार डेरिवेटिवटा एक्जिस्ट करे जेड जीरो पॉइंट रे आउ जेड जीरो रो नेबरहुड पॉइंट रे नेबरहुड पॉइंट रे माने कौन ना ए रीजन सर्टेन नेबरहुड पॉइंट रे जदि एफ ऑफ जेड टा एनालिटिक प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करे ताले से फंक्शन टा को आम कौन कहिबा ना एनालिटिक फंक्शन कहिबा ओके तो ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो इफ इट इज एनालिटिक एट जेड जीरो एज वेल एज इन द नेबरहुड ऑफ जेड जीरो जदि से जेड जीरो पॉइंट रे एनालिटिक हुए आउ तार नेबरहुड पॉइंट रे भी एनालिटिक हुए तामने से कह एफ ऑफ जेड टा एनालिटिक कंडीशन को सैटिस्फाई करुच्छे ओके आम एग्जांपल ने आहरी जापर से कहे एफ ऑफ जेड टा जब एनालिटिक अच्छे तार नेबरहुड पॉइंट रे आउ तार नेबरिंग पॉइंट रे से जेड जीरो पॉइंट रे भी एनालिटिक होगा दरकार आउ तार नेबरिंग पॉइंट रे जब एनालिटिक होने एफ ऑफ जेड टा एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो तो रीजन आर भितर से एनालिटिक केत हम ना आर भितर जितक भी पॉइंट अच्छी से कहे एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन आर भितर से एनालिटिक हम ता माने कौन ना आर भितर जेकोसी पॉइंट रे जदि से डिफरेंशियबल होर रो रीजन आर भितर जेकोसी तुम पॉइंट गोटे निदी जेकोसी गोटे पॉइंट रे एनी आम पॉइंट नहीं पार एनी पॉइंट रे जदि से कौन हो जाऊँगी ना परफेक्टली डिफरेंशियबल होर भितर जदि आर भितर एनी गोटे पॉइंट रे एफ ऑफ जेड टा परफेक्टली डिफरेंशियबल हो तो तमें आम कहीपर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर ओके बुझीगला जदि से एनी पॉइंट रे डिफरेंशियबल हो जाऊँगी रीजन आर भितर ताले से कंडीशन टाक आम कह से रीजन आर भितर डिफरेंशियबल आ एंटायर फंक्शन कौन कह ना जदि आम टोटल रीजन जब आज्यूम करदबा जदि एफ ऑफ जेड टा मोर एनी गोटे रीजन भितर एनालिटिक हो जाऊँगी ओके एनी गोटे रीजन भितर एनालिटिक होती से फंक्शन टाक आम कह कौन ना एंटायर फंक्शन मुझे एनी रीजन
आ रिजन निजेको गोटे पॉइंट रिजन मुझे कनसीडर करी इज पॉइंट जदि एफ ऑफ जेड आनालीटिक होने से फंक्शन टाक कह एंटायर फंक्शन ओके तो एंटायर फंक्शन कौन आसो एंटायर फंक्शन कौन आसूची एफ ऑफ जेड इफ एफ ऑफ जेड इज आनालीटिक एनी होयर जदि एफ ऑफ जेड टा आनालीटिक हम एनी होयर बा एव्री ओयर जब आनालीटिक आसूँ तो कह एफ ऑफ जेड टा गोटे एंटायर फंक्शन तो एंटायर फंक्शन टा किए ना ई टू दि पावर जेड गोटे एंटायर फंक्शन तुम्हें तो जो रिजन वेरीफाई कर से परफेक्टली डिफरेंशियबल आसो कॉस जेड इज ऑल्सो ए कौन एंटायर फंक्शन साइन जेड ओके साइन जेड इज ऑल्सो एंटायर फंक्शन तो साइन जेड कॉस जेड ई टू दि पावर जेड ए पॉइंट फंक्शन गुड़ाक ये फंक्शन गुड़ाक एनी रिजन रे आनालीटिक प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करेंगे तो जेहेतु मैंने एनी रिजन रे आनालीटिक प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करछन्दी तेणु आम कह ई टू दि पावर जेड कॉस जेड साइन जेड दे आर एंटायर फंक्शन ओके तो आनालीटिक फंक्शन आम डेफिनेशन या कही पारिबा इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज आनालीटिक एट जेड जीरो देन द सॉरी इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज आनालीटिक एट जेड इक्वल टू जेड जीरो इफ इट इज परफेक्टली डिफरेंशियबल नॉट ओनली एट जेड जीरो बट ऑल्सो इन द नेबरहुड ऑफ जेड जीरो से जेड जीरो आउ तार नेबरहुड ऑफ जेड जीरो जदि गोटे फंक्शन आनालीटिक हुए तो मैंने से फंक्शन टाक आम कह ना आनालीटिक फंक्शन तो गोटे आनालीटिक फंक्शन को लेकिन आम कि यूजफुल डेफिनेशन डिस्कशन करवा जो यूजफुल डेफिनेशन टा आमको कौन ना कंटोर इंटीग्रेशन रे हेल्प कर तो पहले आम यूजफुल डेफिनेशन आम जाने जेनराली गोटे आर्क आर्क मान कौन ना आर्क इन ए कम्प्लेक्स प्लेन इज ए सेट अफ पॉइंट्स एक्स वाई जेड जदि आम पे गोटे कम्प्लेक्स प्लेन कनसीडर करूचे जेड प्लेन जोटी की आमर इमाजिनरी कोऑर्डिनेट अच्छी वाई आउ रियल कोऑर्डिनेट अच्छी एक्स तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट रे जदि आम गोटे सेट अफ पॉइंट कनसीडर करवा एक्स वाई रो सेट अफ पॉइंट बोले कनसीडर करी मन कर ये टाइप गोटे सेट अफ पॉइंट कनसीडर कली सो कहार इंडिकेसन दूँ ना आर्क रो तो कम्प्लेक्स प्लेन ले जदि आम एक्स वाई कोऑर्डिनेट रो गोटे सेट अफ पॉइंट को कनसीडर करवा सेट अफ पॉइंट को जॉइन करवा तो सी क्या इंडिकेसन दब ना आर्क को सो आर्क इज ए जॉइनिंग अफ और आर्क इज फॉर्म बाय जॉइनिंग ए सेट अफ पॉइंट्स इन ए कम्प्लेक्स प्लेन जदि आम सेट अफ पॉइंट गोटे कम्प्लेक्स प्लेन ले जॉइन करूचे तमें से पे आर्क रो मेजरमेंट दब ओके बट से आर्कटा को आम कौन कह सिंपल आर्क के कह से आर्क आम सिंपल आर्क के कह कहे से आर्कटा सिंपल आर्क हम इफ द आर्क डज नॉट हैव एन इंटरसेक्शन पॉइंट जदि से आर्क रो इंटरसेक्शन पॉइंट नथिबो मने करो मोर एटा इनिशियल पॉइंट एटा निकली फाइनल पॉइंट देखो एठी जो आर्कटा अच्छी जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट अच्छी तो एठी मोर इंटरसेक्शन पॉइंट आसी जाउछि एठी गोटे इंटरसेक्शन पॉइंट आसी जाउछि जदि गोटे आर्क रो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्जिस्ट न करे ताले आमे ता कहिबा सिंपल आर्क ओके सो ए सिंपल आर्क मीन्स वी कैन से ए आर्क हेज डज नॉट एनी इंटरसेक्शन पॉइंट ओके जदि गोटे आर्क रो कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट तो मैंने पहले एटा गोटे सिंपल आर्क हो पार ओके यहाँ मोर गोटे सिंपल आर्क हो पार ओके यहाँ भी गोटे सिंपल आर्क हो पार बट जदि आम इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं जाऊे गोटे आर्क आ गोटे आर्क सहित इंटरसेक्शन पॉइंट एक्जिस्ट करें कहीपर से गोटे सिंपल आर्क नुहे ओके सिंपल आर्क कौन हाँ दरकार ना देयर मस्ट नॉट बी एनी इंटरसेक्शन पॉइंट जदि इंटरसेक्शन पॉइंट एक्जिस्ट करूना तेल पे से आर्कटा को कह कौन ना सिंपल आर्क अदरवाइज भी कहते हैं स्मूथ आर्क ओके बट से आर्कटा को आम क्लोज के कनसीडर करवा देख आम कह या कौन नुहे ना गोटे सिंपल आर्क नुहे कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट आसूँ बट से कहे सिंपल क्लोज्ड कर्व आर्कटा को पीला अदरवाइज भी कर्व कहा जाए तो आर्कटा को आम सिंपली कर्व भी कही पार आर्क बा कर्व बिले आपको पीले कही पार ओके सिंपल कर्व जान लें जदि से कर्व्र कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट एक्जिस्ट
करू न थाए सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन हो सिंपल क्लोज्ड कर्व बा सिंपल क्लोज्ड आर्क। सिंपल क्लोज्ड आर्क कहले कौन बुझा जदि गोटे आर्क रो इनिशियल पॉइंट आउ तार फाइनल पॉइंट को इनसाइड कर जदि आर्क रो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को इनसाइड्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन हो ना को इनसाइड कर आर्कटा को कह सिंपल क्लोज्ड कर्व तमें पे गोटे सर्कल सर्कल केस रे मन कर यहाँ मोर इनिशियल पॉइंट यहाँ भी पे मोर फाइनल पॉइंट जदि इनिशियल पॉइंट आउ फाइनल पॉइंट जॉइन हो जाऊँगी तो मैंने इनिशियल पॉइंट आउ फाइनल पॉइंट को इनसाइड हो जाऊँगी तो सेटा को हमें कह सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके सिंपल क्लोज्ड कर्व पे यही टाइप कर्व को भी आम कहीपर सिंपल क्लोज्ड कर्व एटा क्लोज कहीं आम कहे रीजन रे इनिशियल आउ फाइनल पॉइंट को इनसाइड कर जदि इनिशियल फाइनल पॉइंट क्लोज इनसे कंबाइन कर इंटरसेक्ट कर कोइनसाइड कर से केस आम कह से कौन फॉर्मेशन कर ना गोटे सिंपल क्लोज्ड कर्व फॉर्मेशन कर। ओके बट गोटे सिंपल क्लोज्ड कर्वटा स्मूथ आर्क केत फॉर्मेशन हो यहाँ आम कहले गोटे आर्क बिहेवियर यहाँ आम कहले गोटे सिंपल आर्क बिहेवियर। ओके यहाँ को आम कहले गोटे सिंपल क्लोज्ड कर्व बिहेवियर बट ये आर्क कर्व आम कनसीडर करूचे से आर्क कर्व को आम के स्मूथ आर्क कनसीडर करवा स्मूथ आर्क के कह स्मूथ माने कौन पिले ना परफेक्टली डिफरेंशियबल जदि से गोटे परफेक्ट डिफरेंशियल हो एक्जाक्ट डिफरेंशियल होते आम कह दैट इज ए स्मूथ आर्क। ओके तो स्मूथ आर्क फॉर्मेशन करने स्मूथ आर्क से कौन होगा दरकार ना परफेक्टली डिफरेंशियबल होगा दरकार परफेक्टली डिफरेंशियबल होगा दरकार जदि गोटे फंक्शन परफेक्टली डिफरेंशियबल अच्छी ताले से कौन हम ना स्मूथ आर्क रिप्रेजेंट हो पार परफेक्टली डिफरेंशियबल माने कौन माने कर आम गोटे कर्व को रिप्रेजेंट करे आर। ओके आर रिप्रेजेंट करुचे आम जेड रिप्रेजेंट करुचे तो एनी गोटे फंक्शन को मन कर कम्प्लेक्स पेन ले पे यहाँ को देखीदेली जेड। ओके ये आर्कटा स्मूथ आर्क के हो ना ये जब परफेक्टली डिफरेंशियबल थी परफेक्टली डिफरेंशियबल तमें डी बाई डी जेड डी टी सैटिस्फाई करू मैंने जेडटा फंक्शन ऑफ टी रे नहीं जेडटा फंक्शन ऑफ टी रे नहीं जब परफेक्टली डिफरेंशियबल आउ कंटिन्यूस थी परफेक्टली डिफरेंशियबल एंड कंटिन्यूस जदि दुटा प्रॉपर्टी से सैटिस्फाई करूल से कंडीशन को आम कह दैट आर्क दैट कर्व इज स्मूथ कर्व। ओके बट ये कर्व को केतेबेले कंटोर रे कन्वर्ट करवा। ओके कर्वटा को आम के कंटोर बोली इंडिकेट करवा कंटोर माने कहले कौन बुझुचे कंटोर कंटोर मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्मूथ आर्क। ओके कंटोर मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्मूथ आर्क यटा को आम कहीपर कौन ना कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्मूथ आर्क्स। ओके कंटोर मीन्स एटा कहार कॉम्बिनेशन ए नंबर ऑफ स्मूथ आर्क रो कॉम्बिनेशन। ओके मन कर देख बोले ये टाइप रोटे रिजन आज्यूम करी। ओके यही जो रिजन टा आम आज्यूम करे मन कर ये रिजन टा मुमेंट करुचे मोर यही टाइप रो देख बोले यहाँ गोटे कर्व रो इंडिकेशन दूसरी। ओके यहाँ गोटे कर्व। ओके कर्व ना नहीं आम स्ट्रेट लाइन टा भी पीले जाने गोटे कर्व विथ जीरो कर्वेचर स्ट्रेट लाइन टा गोटे कर्व जोटी आम कहे कर्वेचर टा के ना जीरो जो कर्वटा आम नौचे मन कर सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी सेवेन सी एट सी नाइन सी टेन जो पिले मोर कॉम्बिनेशन आसुची जो टोटल कर्व ए रु बी भितर एक्जिस्ट करुचे कर्व सी टा कहार समेसन अच्छी ना सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर अप टू के जाए ना सी टेन जाए तो ये जो कर्वटा फॉर्मेशन हो सी कर्वटा कहार
समेसन ए नंबर ऑफ स्मूथ आर्क रो कॉम्बिनेशन तमने को जी सी वन टा गुटे स्मूथ आर्क सी टू टा गुटे स्मूथ आर्क सी थ्री दैट इज ऑल्सो ए स्मूथ आर्क ओके जदि गुटे कर्व ए नंबर ऑफ स्मूथ आर्क रे कॉम्बिनेशन हे थाए बा फॉर्मेशन हे थाए तमन ताकु हमें कहिबा पिले कंटूर तमने ए रु बी रो जो कर्वटा अछि एटा को हमें कहि परिबा पिले गुटे कंटूर कहि परिबा ओके मन कर आ गुटे पिले अज्यूम करबा मन कर गुटे सर्कल ये सर्कलटा कौन अच्छी मोर दीटा कर्व को लेकिन फॉर्मेशन है ए कर्वटा है मोर सी वन ओके ए कर्वटा है मोर सी टू ओके देख ये जो सर्कलटा फॉर्मेशन है मनकर से सर्कलटा है कर्व सी टोटल कर्व है सी तो पे सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू सी इक्वल टू के पाइले सी वन प्लस सी टू जेहेतु सीटा को आम कहे सी वन प्लस सी टू तो पे से जो कर्वटा फॉर्मेशन है जो कंटूर से गोटे क्लोज कंटूर सेटा हमें कहबा गोटे क्लोज कंटूर एटा गोटे ओपन कंटूर अच्छे ये क्लोज कंटूर कहीं कहे ना दुटा कर्व इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिसी जाए जगार मन कर इनिशियल फाइनल पॉइंट कंसीडर करी तो पे यहाँ क्या इंडिकेट करुच्ची ना क्लोज कंटूर को इंडिकेट करोज कंटूर तेन एटी जो कर्व दुटा फॉर्मेशन अच्छे से गोटे क्लोज कर्व को इंडिकेट कर तो ये पे क्लोज कंटूर ये गोटे ओपन कंटूर अच्छे ओके तो मैंने आम गोटे कंटूर को क्लोज कंटूर कहींपर ओपन कंटूर ओपन कंटूर के जदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तरह कोइनसाइड न करें कह दैट इज ए ओपन कंटूर जदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइनसाइड कर पे कह क्लोज कंटूर तो क्लोज कंटूर आम सर्कल कहींपर ट्रांगल भी पिले नहीं पारि मन कर ट्रांगल ट्रांगलटा आम पे तीन टा कर्व को लेकिन सी वन सी टू सी थ्री ओके एटी जो ट्रांगल आम तीन टा कर्व नहीं फॉर्मेशन कले ये गोटे क्लोज रीजन को इंडिकेट करुचे पहले एटा को भी आम कहीपर एटा भी मोर गोटे कंटूर इंडिकेशन दब जो आम कर्व सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव ओके एटा भी क्या इंडिकेट कर गोटे क्लोज कंटूर को इंडिकेट कर बुझीला ना बुझेलानी तो यहाँ को आम पे कहे कंटूर क्लोज कंटूर एटा को पे आम कहे ओपन कंटूर तो कंटूर मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्मूथ आर्क जदि नंबर ऑफ स्मूथ आर्क रे कॉम्बिनेशन आसुची तमने हम कहिबा कौन दैट इज ए कंटूर ओके देन आसीबा कौन ना कनेक्टेड रीजन ओके नेक्स्ट को आसवा कौन ना कनेक्टेड रीजन देखो कनेक्टेड रीजन टा हमें कौ टाइप रे डिफाइन करछे मन करो हमें गोटे रीजन कंसीडर करिबा आर भितरे ओके सो रीजन आर इट्स सेट टू बी कनेक्टेड रीजन इफ एनी पॉइंट ऑन दैट रीजन आर कैन बी कनेक्टेड बाय द कर्व व्हिच लाइज एंटायरली विदिन द रीजन आम गोटे रीजन आर को कनेक्टेड रीजन कहवा के मनकर यहाँ को एज्यूम कल गोटे रीजन आर ए रीजन आर को पे आम कनेक्टेड रीजन के कह ना जी आम कर्व कनसीडर करवा जेतिक भी आम कर्व कनसीडर करवा जदि सबू कर्व गुड़ाक से रीजन आर भितरे ही डिस्क्राइब होता है हमें एनी कर्व जो आज्यूम करवा कनेक्टेड रीजन मीन्स कौन ना एनी कर्व दैट वी आज्यूम इन दैट रीजन कम्प्लीटली लाइज विदिन द रीजन जेतिक भी पे आम आज्यूम करवा कर्व सबू जदि से कर्व सबू यही कर्व रीजन भितर एक्जिस्ट करूए तेल आम कहवा पे कौन ना कनेक्टेड रीजन कनेक्टेड रीजन मीन्स ए रीजन आर इट्स सेट टू बी कनेक्टेड रीजन इफ द पॉइंट एनी पॉइंट ऑन दैट रीजन आर कैन बी कनेक्टेड बाय द कर्व्स व्हिच एंटायरली लाइज ऑन दैट रीजन जदि से रीजन भितर एंटायरली एक्जिस्ट करुच्छे तो मैंने पे कह कौन ना कनेक्टेड रीजन बट से कनेक्टेड रीजन टाक
सिंपली कनेक्टेड रीजन केत कह सिंपल कनेक्टेड रीजन आम कौन कनसीडर कराया पड़ो जदि गोटे फंक्शन मन कर यहाँ पे रीजन आर ए रीजन आर भितर मैंने गोटे कर्व कनसीडर कली सी रीजन आर भितर आम कर्व कनसीडर कले कौन सी जो सी कर्वटा देख आर रन सैड्रे अच्छी तमें जो कर्व सीटा एंटायरली एक्जिस्ट करुच्ची रीजन आर भितर जदि रीजन आर भितर एक्जिस्ट करुच्चे जी भी पे आम आर रेज कनसीडर करवा सी रो रेजटा बाहर करवा सो रेजटा पे कौन कह आर रो रेज भितर ही एक्जिस्ट कर आर जो लिमिट एक्जिस्ट करुच्ची तो आर लिमिट भितर पे एक्जिस्ट कर जदि आर लिमिट भितर एक्जिस्ट करुच्ची से रीजनटा को आम कह कौन ना सिंपली कनेक्टेड रीजन।